हिमाचल प्रदेश के प्रधानगरी मनाली से कुल्लू जिला में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण जो है ब्यास नदी ने यहाँ पर जो रौद्र रूप जो धारण कर लिया है। मैं इसमें की सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँ, देखिए ब्यास नदी की यह तस्वीरें हैं, किस तरह जो यहाँ पर ब्यास नदी ने जो रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और बाढ़ से हालात यहाँ पर जो बन चुके हैं, जिसके कारण जो भारी तबाही यहाँ पर हुई। हम इसमें खड़े हैं रामशिलम जो हनुमान मंदिर है और वहां पे खड़े और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह जो है बाढ़ का पानी जो है मंदिर में यहाँ पर आ चुका और जब पूरा मंदिर जो इसकी चपेट में आ चुका, जो भी सामान यहाँ पे था वो भी जो ब्यास नदी अपने साथ जो यहाँ से बहा के ले गई है। तो अगर मैं बात करूं अब तक की तो संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति जो है ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर चढ़ चुकी है। मनाली से कुल्लू तक की अगर मैं बात करूं तो कई सारे होटल मकान वाहन दुकान जो है इस ब्यास नदी की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। इसके साथ ही अभी तक जो जानी नुकसान है फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक महिला की जो है मलबे में दबने के कारण जो है एक आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है, हालांकि अभी ये नहीं कहा जाता कि कितने और लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है वो अभी यहाँ पर नहीं कहा जाता क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को जो भारी नुकसान हुआ है मनाली से कुल्लू के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, कई स्थानों पर जो पूरा का पूरा मार्ग जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जो रात की खबर है कि जो आलू ग्राउंड में जो 27 से 28 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे उन्हें जो प्रशासन द्वारा वहां से जो है सुरक्षित वहां से जो है रेस्क्यू कर दिया गया है, हालांकि हालात अभी भी जो खराब बने हुए क्योंकि बारिश अभी भी जो लगातार यहाँ पे हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते कितनी ज्यादा बाढ़ जो है इसमें ब्यास नदी में आई हुई है और काफी ज्यादा मलबा जो इसमें आ रहा है। इसके साथ ही जो भुंतर में जो है वहां पर जो सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर भी जो कुछ होटल जो है ब्यास नदी की भेंट वहां पर चढ़ चुके और ब्यास नदी में वो भी जो है यहाँ पर जो है जो उसकी भेंट चढ़ चुके, तो कहीं ना कहीं कह सकते कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिला में जो लगातार जो है बारिश यहाँ पे हो रही है और लगातार जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो अपना रौद्र रूप जो है धारण की, और ऐसे में प्रशासन जो है लोगों से लगातार जो है यहाँ पर एहतियात बरतने की यहाँ पर जो है अपील करता हुआ नजर आ, हालांकि कुछ जो जो संस्थाएं वो सामने आई और वो जो जो जिन लोगों के जो घर मकान जो है नदी में बह चुके हैं उन लोगों के लिए उन्होंने जो है ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था करे और उनका खाने पीने का भी जो इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है तो ऐसे में लग रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन और जो है मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। मनाली सचिन शर्मा।